दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेस, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ दीपक जज। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित चेतन तनेजा ने फोड़ा भ्रष्टाचार का बम। 4 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। परिजनों ने शव को असंध रोड पर रख कर लगाया जाम। नगर निगम के अधिकारियों ने नया गाना बनाकर आम जन को मैसेज देने की कोशिश। आईबीएल पब्लिक स्कूल के पास बने शौचालय को ताला लगाने पर दुकानदारों में रोष। नांगलखेड़ी में कमरे में मिला महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। पानीपत की बत्रा कॉलोनी से गायब 4 साल के बच्चे का अंतिम संस्कार असन रोड की शिवपुरी में किया गया। इस दौरान बच्चे के शव को रोड पर रखकर जाम किया गया। देखिए पूरा मामला। 2 तारीख की शाम को एक बच्चा गायब हुआ था बत्रा कॉलोनी से। मॉडल टाउन पुलिस ने गुमशुदगी का और अपहरण का मामला दर्ज किया था। 2 दिन बाद उसकी लाश, यानी कि कल उसकी लाश सोनीपत के पास एक नहर में मिली थी। बच्चे के हाथ पैर बांधे हुए थे। बड़ी बेरहमी से बच्चे का कत्ल किया गया था। आरोप लगे थे बच्चे के जो मकान मालिक है, जहाँ पर रहते हैं, उन मकान मालिक पर आरोप लगे थे। हालांकि मारने की उसकी क्या थी, उसके पीछे कुप्रता क्या थी, अभी वो पुलिस जो है सारी जाँच कर रही है। लेकिन खुलासा अभी तक ये हुआ कि बाप बेटे को पकड़ लिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये परिजन है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनका यही कहना है कि बच्चे का क्या उसमें दोष था, बच्चे के साथ बड़ी बेनामी से उसको क्यों कत्ल किया गया, उस बच्चे का क्या कसूर था। अभी ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मकान मालिक और जो किराएदार हैं उन पे झड़प हुई थी, बच्चे के बाप के साथ झड़प हुई थी। तब से ही ये कहा जा रहा था कि इस बदला लेगा, उस बदला लिया गया। खुलासा भी हुआ है कि बड़ी बेरहमी से मारा है और थोड़ी देर पहले यहाँ जो है शव का जो है दाग दे दिया गया है। और अभी जो परिजन है यहाँ पर खड़े, हम परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे भाई क्या हुआ था। जो बच्चे के पिता है वो मेरे साथ है, क्या हुआ था, आपको किसके ऊपर शक है ये सर? राम निवास के ऊपर शक है, उसके सारे फैमिली पर हमारे शक है। उसने हमारे बेटे को कचरी खाने के लिए नीचे भेजा, ऊपर गया लेके, जब से मेरे बेटा मिला नहीं। मैं सारे पूरा पानीपत के चक्का चक्का छान दिया, कहीं हमारे बेटा को पता नहीं मिला। जब बाबू के लाश सोनीपत से लाया, बांध उध कर रस्सी में बांध कर फेंका रखा था नदी में। तुम्हारा क्या कोई झगड़ा हुआ था थोड़ा पहले? हमारे भाई को चाचा के लड़का को 2 महीने पहले मारा था। मेरे साथ हपाता भी हुआ भी नहीं, गला गलौज हो गया था। उसने मुंह खोल कर मुझे कह दिया था, तुझे 2 से 3 महीने में बता दूंगा। असही में बता दिया, मुझे बेटा को मार दिया। मेरे को धमकी देता था। हाँ जी। अब तो पुलिस ने पकड़ लिया है जैसा बता रहे हैं। अब पुलिस पकड़ लिया तो अब उसको फांसी की सजा सुनवाओ ना। चलो वो कोर्ट का काम है, कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन भी आपके साथ है, कोई बात नहीं, सब कुछ वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट देगी, फांसी देगी उनको। को जल्दी करवा दो फांसी की सजा। चलो आप इनको कर लीजिए, जैसे कि बाप का रो रो को बुरा हाल है। ये पुलिस प्रशासन की तरफ से लिख के दिया गया है, छोटा बच्चा विवेक हमारे पिता लिए अपने बच्चे जैसा था, ये आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से। और उन्होंने आश्वासन दिया कि कानून की सबसे बड़ी सजा है फांसी मिले, वो आश्वासन दिया है। चंद्रमोहन जी के साइन भी हैं, सब कुछ जो है पुलिस प्रशासन ने तय किया और मामला जो है अब कोर्ट में चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। उसके भाई ने कल मैं लाश लाने जा रहा था पोस्टमास्टर में, मेरे चाचा को फोन करके करा, अगर मेरे घर का आदमी नहीं किया होगा तो मैं सारे को उठा दूंगा पानीपत से। बीच वाले भाई ने उसका बताओ आप कौन हो? मैं जो मरा विवेक का मैं बाबा बोल रहा हूँ। मेरे साथ उसने फोन पे बात किया कि जो भी कर रहा है वो तू अच्छा नहीं कर रहा है और तेरे को मैं पानीपत से उठवा दूंगा, तू अच्छा नहीं करेगा। 2 बार मेरे को फोन किया था, सतेंद्र यादव। तो फिलहाल ये है कि बच्चे का
जो शव है उसको शमशान घाट में ले जाएगा और उसका उसे दाग दे दिया गया है। परिजन को रो रो कर बुला रहे हैं, सिर्फ परिवार वाले फांसी की मांग कर रहे हैं कि फांसी हो। अभी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही सारे मामले का पटाक्षेप होगा। हालांकि आरोपियों ने अपना जुर्म जो है वो जरूर कबूल कर लिया है। दिनांक 2 अप्रैल 2018 को एक छोटा बच्चा घर से गायब हुआ था, तब से हम इसकी लगातार इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और कल ही सोनीपत से हमें न्यूज़ मिली नारा गांव से कि हमें एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी मिली है। तो जब इस लड़के के पिताजी को वहाँ ले जाया गया तो शिनाख्त करवाई गई और उसमें पाया गया कि छोटा बच्चा विवेक ही था जो यहाँ से गायब हुआ था। आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है और एग्जैक्ट रिपोर्ट्स एक बार पोस्टमार्टम किया जाए, उसके बाद हम कंप्लीट में डिटेल से बता पाएंगे कि उसके साथ और क्या क्या घटनाएं की गई हैं। और फिलहाल ये जो है भी जो माता पिता ने कहा है कि उन्हें मकान मालिक और उसके बेटे पे शक है, तो उन दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है। जैसे ही कुछ क्लियर आता है, कुछ सबूत हमारे हाथ लगे हैं जो अभी हम नहीं बताएंगे, एक बार चीज़ें क्लियर हो जाएँ, जैसे वो चीज़ें क्लियर होती हैं आपको दोबारा बताएंगे। सर, मकान मालिक के लड़के पर भी शक जताया जा रहा है? हाँ जी, वो दोनों हैं, मकान मालिक और उसका बेटा जो है, दोनों वो दोनों से हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं कल शाम से। अभी तक की जांच में है कि इनका हाथ था मकान मालिक के बेटे का? अभी तक जो है पूरी तरह से अभी हम इस चीज़ को भी डाइवर्ज नहीं करेंगे जब तक हमारे हाथ में प्रॉपर सबूत वगैरह नहीं आ जाते, रिकवरी चीज़ें नहीं होती। बट हाँ, प्रेमी फेस ही देखने से लग रहा है कि उसका हाथ है। पानीपत की बत्रा कॉलोनी में 4 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या के बाद थोड़ी देर पहले ही परिजनों ने असंध रोड पर जाम लगा दिया था। शव को बीच में रखा गया था, उनकी ये मांग थी कि आरोपी की गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सजा मिले। हालांकि ये कोर्ट का मामला है, लेकिन पुलिस दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लग पाएगा कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ था क्या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे का संस्कार भी कर दिया गया है और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ASP चंद्र प्रकाश का कहना है कि जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद खुलासा कर दिया जाएगा कि कुकर्म क्यों किया गया। हालांकि इस बात का खुलासा पुलिस ने जरूर किया है कि बच्चे को मारने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। असंध रोड पर हम लोग खड़े हैं तो भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है किसी अनहोनी के चलते। हालांकि थोड़ी देर पहले जो जाम था वो लगा दिया करता था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शमशान घाट है, यहाँ पर ही थोड़ी देर पहले जो है बच्चे का संस्कार किया गया है और जो परिजन है उनको समझाने की भी कोशिश की गई है कि जो है आरोपी है उनको सख्त सजा मिलेगी। हालांकि दो जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी दुष्कर्म कुकर्म की पुष्टि होना बाकी है, उसके लिए पुलिस पानीपत जो है सिविल अस्पताल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार करते हैं। फिलहाल जो है बच्चे का जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है, शाम तक शायद पुलिस इसमें बड़ा खुलासा कर दे। वैसे पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। नगर निगम के अधिकारी अब गाने के माध्यम से आम जन को सफाई के लिए अपील कर रहे हैं। हरियाणवी भाषा में बने इस गाने में आम जन को संदेश दिया गया है। जो प्रयास है इसमें हमने ये कोशिश की है कि ऑडियो के माध्यम से जो गाना हमने पावन पानीपत के नाम से बनाया है और इसमें यही बताया गया है कि हर आदमी को इसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। बीमारी मारे दुश्मन सब पे हावी से, हथियार सफाई के ठालो ना और दवाई से, इब पानी पत की लड़नी हमें एक और लड़ाई से, इब पानी पत की लड़नी हमें एक और लड़ाई से, अभियान सफाई की लड़नी या जरूर लड़ाई से। बीमार मारा के साड़ा लागे से, गंद कूड़ा करे बीमार मारा के साड़ा लागे से, क्या तो जान के मौत मारी या उसकी आई से, क्या तो जान के मौत मारी या उसकी आई से, इब पानी पत की लड़नी हमें एक और लड़ाई से, इब पानी पत की लड़नी हमें एक और लड़ाई से। तो सभी हमारे जितने भी यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली चलती हैं, जितने भी हमारे और दूसरे जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसमें भी हम सुनिश्चित या मुनादी के माध्यम से, केबल के माध्यम से भी इस ऑडियो को हम चलवाएंगे और लोगों को ये पता चलेगा कि हम सबको इसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी है, हम सब इसमें अपना योगदान देंगे और तभी हम अपने शहर को एक अच्छा शहर बना पाएंगे, इसका यही प्रयास है। यस, इसमें हिंदी और पंजाबी वर्जन भी इसमें कराएंगे और मोबाइल के इसमें जो डायलेक्ट टोन है वो भी हम कराना चाहते हैं इसमें CFC में भी, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ आते हैं और इस गाने को वह अगर सुनेंगे तो थोड़ा सा उनका मन बदलेगा, परिवर्तित होगा कि हम भी अपने एरिया की आसपास का जो इलाका है उसकी साफ सफाई में ध्यान दें और योगदान भी दें। शहर के पचरंगा बाजार के दुकानदारों का आरोप है नगर निगम द्वारा बनाए गए शौचालय पर ताला लगा है, देखिए विशेष रिपोर्ट। ODF की स्कीम के तहत जो है नगर निगम ने पूरे प्रदेश में पूरे जिले में शौचालय तो बनवा दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां और खामियाजा उसमें अभी भी दिखाई दे रहा है। यहां के बाजार वालों का आरोप है कि ये जो शौचालय है वो लगातार बंद रहते हैं, इन पर ताले लगे रहते हैं और अगर इनकी बात सुविधाओं की जाती है तो सुविधाओं के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पर जगह जगह पर लोग जो है दीवारों पर गंदगी का अंबार लगा रहता है। फिलहाल मेरे साथ पंचरंगा बाजार के प्रधान मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि क्या कमियां हैं। सबसे पहली बात तो ये है जी, नगर निगम के अंदर ये बाथरूम तो बनाया गया लेकिन ये चल नहीं रहा, सिर्फ एक नाम के लिए। उसके ऊपर हमेशा के हमेशा ताला लगा होता है, सफाई के लिए कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है, आने जाने वाले को लिए दिक्कत है। यहाँ पर ये बाहर लीकेज है जिसकी वजह से यहाँ टॉयलेट का पानी भी बाहर निकल रहा है, सीवरेज की भी दिक्कत है। उसके बाद रही बात सफाई की, बात में आओगे तो सफाई के नाम पर कुछ नहीं है यहाँ। और रही पहले आपकी लोग बाथरूम की दिक्कत, आने जाने वाले यहाँ पर बाहर से हमारे 100 से लेके 500 से 1000 किलोमीटर से यहाँ व्यापारी आता है, जिसके लिए ये शौचालय बनाया गया था जिसके ऊपर ये ताला लगा हुआ है। आप मौके पर आपने भी देख लिया है, इसके अंदर हमेशा ताला लगा होता है, सफाई होती नहीं है और बाहर से हमारे पास व्यापारी आता है, उसको बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ के पार्षद कौन है, तो मतलब की क्या चाहते हैं कि वो इस पे कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ इसके मामले को सुलझा लिया? यहाँ के पार्षद अशोक नारंग जी है जी, उन्होंने सुनवाई के लिए नाम प्लेट के लिए नाम तो जरूर लिखवाया है लेकिन सफाई के लिए काम के लिए कोई नहीं है। अच्छा, अगर वोटिंग के लिए वो आते तो क्या मतलब की आप वोट करेंगे, क्या करेंगे? वोट करेंगे, हम तो जनता है जी, हम भी किसके लिए वोट करते हैं कि एक पार्षद हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा सुख हो, जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। आज आपने आप आए हैं, आपने देखो ये मेरी मार्केट के पूरे सदस्य खड़े हैं, अगर उनको ये उनकी दुकान से ये यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, अगर शायद उन्होंने ये मौका देखा होता तो आपको यहाँ आना ना पड़ता। अच्छा, विधायक रोहिता रेवड़ी ने जो है इसका उद्घाटन किया था उस वक्त, तो आपने जो शिकायत उनको भी की थी इस बारे में? किस लिए आपने ये खुलवाया था? 3 दिन पहले विधायक जी के पति सुरेंद्र रेवड़ी जी से हमारी मार्केट से फोन कराया गया था, उनके पास मैसेज है कि ये बाथरूम के ऊपर ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई ना कोई सफाई के लिए हमारे को विशेष प्रबंध किया जाए ताकि बाहर से जो व्यापारी आए उसको तंग ना होना पड़े। आप बताइए सर, पहले तो इसको बनवाने के लिए इन्होंने ये कच्चा पिट बना दिया था, अगर ये कच्चा पिट बन जाता तो मेरा ख्याल मार्केट का हर आदमी पीलिया की बीमारी से ग्रस्त हो जाता। वो हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया, मार्केट के सभी सदस्यों ने, वो पिट पक्का करवाया गया। पिट को पक्का होने के बाद जब ये बाथरूम बनाया गया तो यहाँ से देश विदेश में हर जगह से व्यापारी यहाँ आते हैं और यहाँ बाथरूम की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। पास में छोटे छोटे बच्चों का स्कूल पड़ता है, अब हम किस किस के साथ लड़ाई मोल लेंगे? कोई भी आता है जब यहाँ बंद होता है तो वो स्कूल के सामने मूतने के लिए खड़ा हो जाता है, हमें खुद बड़ी शर्म आती है। पार्षद महोदय की भी यहाँ दुकान है, उनके व्यापारी भी यहाँ बाथरूम के लिए आते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि जब सरकार ने इतना अच्छा काम किया है तो इसको बढ़िया तरीके से चालू भी करना चाहिए। ये जो टॉयलेट हमारा ये पास हुआ था पूर्व विधायक बलवीर पालशाह जी के टाइम में पास हुआ था, उसके बाद ये लोग आज से 8 महीने साल पहले इन्होंने यहाँ पे जो ये पिट खुदवाई थी, इससे यहाँ से पानी निकलता था, लीकेज होकर सारा हमारे मार्केट के अंदर पानी आता था। हम लोगों ने काफी इसके बाद अपना लेटर दी, सारी मार्केट वाले इकट्ठे होकर कमिश्नर साहब के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए, पार्षद जी के पास भी गए, वो तो बोलते थे जी मैं आ रहा हूँ कर रहा हूँ, शहरी मंडल अध्यक्ष भी उनके भाई हैं, BJP गवर्नमेंट उनकी है, CM उनके हैं, MLA उनके हैं, उसके बाद भी कोई उन्होंने सुनवाई हमारी नहीं की। फिर जी हमने जाके यहाँ पे JEE को बुला के जैसे कैसे इसको काम को चालू करवाया, सुचारू रूप से ये काम चालू हुआ। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की इन्होंने शुरुआत की थी, BJP गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। अब सरकार इनकी, गवर्नमेंट इनकी, उसके बाद भी कोई काम नहीं होता। ये टॉयलेट बंद पड़ा है, ये बिल्कुल सामने आपका है पड़ा, इसको आपके वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, 2 अक्टूबर 2019 को इसको 5 साल हो जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान को,
एक ये पानीपत छोटे से अपना ये एशिया की नंबर वन मार्केट है, यहाँ का ही बाथरूम चालू नहीं है, तो हम तो ये स्वच्छ भारत अभियान की तो बात कहीं रखते ही नहीं है, ना इसके बारे में हम कोई बात करना चाहते हैं। आपके माध्यम से ये अनुरोध है जी, इसको सुचारू रूप से जल्दी चालू कराया जाए। तो व्यापारियों का ये कहना है कि इसकी शिकायत वो विधायक को भी दे चुके हैं और यहाँ के पार्षद को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर अभी तक उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की है। वॉइस ऑफ पानीपत से कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ राहुल दिया की रिपोर्ट। भाजपा से निष्कासित चेतन तनेजा ने भ्रष्टाचार का बम फोड़ा और बीजेपी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिनांक 3 तारीख तो अक्टूबर 2017 तो सीएम साहब पानीपत में आए थे, मैंने उनके आधे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। भ्रष्टाचार का मुद्दा पानीपत में तहसील में रिश्तियां भ्रष्ट हो रही है, पैसे लेकर रिश्तियां होती हैं, बिना पैसे लिए तो काम नहीं होता, मुद्दा भ्रष्ट है, नगर निगम भ्रष्ट है। तो मुझे सीएम साहब ने बोला था कि 4 जन 5 जन लेकर मुझे चंडीगढ़ आगे मिलना, डॉक्यूमेंट साथ लाना। उससे 5 तारीख तो मुझे अखबार के माध्यम चलते मुझे पार्टी 6 साल से निकाल दिया है। मैं आज वो रिश्तियां दिखा रहा हूँ जो फर्जी हो रही है, ये भारतीय कलोनी रिश्ती है, रिशाड़ू रोड पे भारतीय अवैध कलोनी है, इसी रिश्ती पैसे के माध्यम से हुई है, जो तुष्ट राजनेता मिले वैसे रिश्ती हो रही है, इसमें राजनेता मिले हुए हैं और जो रिश्ती बंद है वो हो रही है। अगर आप रिश्ती कर सकते हो तो हमारी सरदार को रिवेन्यू मिलना है, रिश्ती होल दो, मेरी सीएम रिश्ती होल दो, हमारी सरदार को रिवेन्यू मिले इससे। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको बाहर निकालते हैं या उससे प्रमोशन देते हैं, तो ये आपको पूर्व मेयर जो थे बीजेपी में इन्होंने भी तो हाँ, उनकी बात सुनो, पूर्व मेयर जी नगर पालिका कुत्ते ले जाते हैं, धोड़े ले जाते हैं, सुअर ले जाते हैं, सीएम साहब की फोटो लाते हैं, उनको पार्टी नहीं निकालेंगे क्योंकि उनके ऊपर कुछ भाजपा के राजनेताओं का हाथ है, तभी उनको पार्टी नहीं निकाल रहे हो। मैं एक आम आदमी दरी बिछाड़ना चाहता था, इसलिए मुझे पार्टी निकाल दिया। तो आपके जो गुरु समझने वाले संजय भाटिया वो भी खुल के बोलते हैं कि भ्रष्टाचार है। संजय भाटिया जी भी आदर कहीं भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ भी उठाऊंगा, चाहे मेरे बड़े भाई हूँ मैंने आपके माध्यम पे परसों देता था, संजय भाटिया जी ने बोला था वाइस ऑफ पानी कमिश्नर को कि भाई सड़क बनती है तोड़ देना देते हैं, भारत सही होते तोड़ देना देते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, जब प्रदेश के नेता और जिले के नेता और एमसी भ्रष्टाचार उनको क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं आ रहा पार्टी। मैं आपसे माध्यम से पूछ जाता हूँ नेताओं से, कल 6 अप्रैल पार्टी स्थापना दिवस है, ये हमारी पार्टी दीनदयाल उपाध्याय पार्टी है जो सिद्धांतों चलने वाली पार्टी है, आज सारे सिद्धांत आप दिए उन्होंने, तो मेरा आपसे ये माध्यम है कि कल 6 अप्रैल तो नेताओं से पूछो, या तो भ्रष्टाचार बंद करो नहीं पार्टी छोड़ दो। मैं चेतन तनेजा आपके सामने माध्यम से बोलता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त पानी बताऊंगा, मेरा नंबर है 8950770025, तो ही भ्रष्टाचार मुझे फोन करें, मैं उसमें माध्यम वहीं पहुंचूंगा, मेरी टीम दल बल से पहुंचेगी वहां पे। तो अभी तो 1.5 साल 1.5 साल रह गए, इतने सालों बाद क्यों जाते हो आज? मैंने ये मुद्दा आज से 4-5 दिन पहले उठाया था, ये डॉक्यूमेंट कटे वोट है, अफसर भ्रष्ट है, डॉक्यूमेंट निकालने में बहुत प्रॉब्लम हुई, फिर भी मैंने कड़ी बस डॉक्यूमेंट निकलवाए हैं। किस ने करवा ये मलिता जो जितेंद्र मलिता जो पहले तीसरी आदमी रही थी और इसकी नॉलेज चंद्रशेखर थर्ड डीसी जो भी थी, क्योंकि उनके बिना रिश्ती हो नहीं सकती, सुबह उठे शाम रिश्ती होती है, और डीसी साहब ने उनको क्लीन चिट दे दिया, मेरे सीएम साहब तो बोले एक इंक्वायरी बैठी थी जिनमें डीसी साहब ने क्लीन चिट दे दिया, उनको उनकी प्रमोशन हुई है, आज नगर निगम भ्रष्टा अड्डा है और कमिश्नर साहब की प्रमोशन हो रही है, मतलब जो ऑफिसर भ्रष्टाचार उनको प्रमोशन देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अफसर जो भ्रष्टाचार उनको सस्पेंड किया जाए और अपनी सरकार दोबारा चुनाव लड़ना है, हमने भाजपा में है और भाजपा में रहेंगे, चाहे मुझे 6 साल निकाले चाहे जिंदगी भर निकाले, मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा और भाजपा के लिए वोट मांगूंगा। मौजूदा एमएलए तो ऊपर भी कोई टिप्पणी है नहीं मौजूदा, हाँ देखो राजनेता हूँ, अगर उनके सामने भ्रष्टाचार है तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वही है, क्योंकि भ्रष्टाचार देखना भी बहुत बड़ा अपराध है, अगर उनकी सरकार है हमारे एमएलए है उनको भ्रष्टाचार होना चाहिए, अगर वो देख रहे हैं तो दलित बात है। पानीपत के नांगलखेड़ी गांव में कमरे में महिला का शव मिला, बताया जा रहा है 2 दिन पहले 2 युवकों के साथ महिला किराए पर रहने आई थी, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसमें हमें पता लगा जब परसों उन्होंने कमरा लिया है, 2 युवा और 1 लेडी जिसकी उम्र 22-25 साल के लगभग होगी, इनका पता लगते हुए इन्होंने मेरे पास फोन किया, दोपहर को खाना खाने चले गए 2 बजे, जब वो वापिस आए तो इनको पता लगा भाई यहाँ कोई हादसा हो गया, इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं वहाँ तुरता भर्ती पहुँचा तो मेरे आने से पहले इन्होंने पुलिस बुला ली थी, पुलिस से आने के बाद डेड बॉडी को चेकिंग की गई सारी, उसके अब गले में फंदा पाया, लेकिन ये नहीं पता वो उन्होंने मार किसी ने उन्होंने मार के डाल रखी है, उसने अपना फैस रखा है। परसों आए थे मंगलवार के लगभग जो उन्हें पता लगा, ये भी पुलिस वालों ने इसकी आईडी प्रूफ मिला है जिसका नाम है आरिफ कुछ नाम है, मुसलमान है, तो ये यूपी के बताए गए हैं, चुन्नी में गला रहा, बाकी पोस्टमार्टम बताएगा, हमें वहाँ जाने के बाद जो मौका देखा तो उसके गले में चुन्नी का पता लगा हुआ, जमीन पर लेटी हुई 2 लड़के थे जिनकी उम्र 27-28 साल के लगभग होगी
और ये 20-22 के लगभग होगा, 3 ईटर थे। और परसों को आए थे मंगलवार को, तो ही आज ये गुरुवार को आज ही हादसा होगा सुबह तक। किराए का उसमें आए थे 3 तारीख को, आज सुबह ही मैं क्या सुन लिया आपस में, जो मकान मालिक ने बताया है और उसने बाद में चेक कराया तो ये अंदर मरी मिली, अभी शिकायत मिली देंगे, पता कर करके कार्रवाई होगी, इस मामले पर जाँच होगी। ठीक है, जाँच के बाद आइडेंटिटी है, उन्होंने बताया है मोदी ने नाम से, अभी कुछ डॉक्टर साहब बताएंगे रिपोर्ट के बाद के कारण उसके चुनी बनी हुई है कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।